नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे होली पर चलने वाले स्पेशल ट्रेनों के बारे में। इस महीने के आखिरी में होली का त्योहार है, ऐसे में रेलवे ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए करीब 2 दर्जन ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उधर उत्तर रेलवे ने यूपी और बिहार के स्टेशनों के लिए लगभग 1.5 दर्जन रेलगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया है। रेलवे की तरफ से बिहार के लिए 4 जोड़ी सुपर फास्ट होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है। आइए एक नजर डाल लेते हैं इन ट्रेनों के परिचालन के बारे में। नई दिल्ली बरौनी होली स्पेशल ट्रेन, यह ट्रेन 19, 23, 26 एवं 30 मार्च को नई दिल्ली से रात के 7:25 पर प्रस्थान करेंगे और अगले दिन शाम को 3 बजे बरौनी पहुंचेगी। वापसी में बरौनी नई दिल्ली होली स्पेशल ट्रेन 20, 24, 27 और 31 मार्च को बरौनी से शाम के 7:30 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम को 4:15 पर दिल्ली पहुंच जाएगी। यह ट्रेन हाजीपुर होते हुए जाएगी। इस ट्रेन के बारे में यह भी बताया गया है कि साधारण द्वितीय श्रेणी के लिए 4 डिब्बे होंगे, उसके बबाद शयनयान श्रेणी के लिए 7 डिब्बे रहेंगे। वातानुकूलित जिसे हम एसी कहते हैं उसमें तीसरी श्रेणी में 6 डिब्बे रहेंगे और एसी की दूसरी श्रेणी के लिए 4 कोच लगाए जाएंगे। दूसरी ट्रेन की बात करें तो आनंद विहार टर्मिनल पटना होली स्पेशल से, यह ट्रेन 21, 23, 26 और 28 मार्च को आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर के 2:55 पर खुलेगी और यह अगले दिन सुबह के 9 बजे पटना पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन पटना आनंद विहार टर्मिनल होली स्पेशल ट्रेन 22, 24, 27 एवं 29 मार्च को पटना से 12 बजे खुलकर अगले दिन सुबह 5 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए जाएगी। आनंद विहार टर्मिनल जोगबनी होली स्पेशल ट्रेन, यह ट्रेन 19 एवं 30 मार्च 2021 को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह के 8:10 पर खुलेगी और अगले दिन 7:50 पर जोगबनी पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल होली स्पेशल ट्रेन 20 एवं 31 मार्च को जोगबनी से रात के 8:30 पर खुलेगी और अगले दिन रात में 8:45 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। यह भी ट्रेन वाया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए जाएगी। उसके बाद यह दानापुर पाटलिपुत्र बेगूसराय के लिए भी चली जाएगी। वहीं अगर हम इस ट्रेन के डिब्बे की बात करें तो इसमें साधारण द्वितीय श्रेणी के लिए 6 डिब्बे होंगे, शयनयान श्रेणी के लिए 10 डिब्बे, वातानुकूल तीसरे श्रेणी के डिब्बे की अगर हम बात करें तो इसमें 2 डिब्बे लगे होंगे और द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित की बात करें तो इसमें 1 कोच लगाए जाएंगे। वहीं अगर हम आनंद विहार टर्मिनल गया होली स्पेशल ट्रेन की बात करें तो यह ट्रेन 19, 22, 26 और 29 मार्च को आनंद विहार टर्मिनल से रात को 11:10 पर खुलेगी और अगले दिन यह ट्रेन शाम को 3:30 पर अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी। वापसी में यह ट्रेन गया आनंद विहार टर्मिनल होली स्पेशल ट्रेन के नाम से चलेगी और यह दिनांक 20, 23, 27 और 30 मार्च को गया से रात के 11:45 पर खुलेगी और अगले दिन यह ट्रेन 3:25 पर आनंद विहार टर्मिनल पहुंच जाएगी। यह ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए जाएगी। इस स्पेशल ट्रेन में साधारण द्वितीय श्रेणी के लिए 4 कोच लगाए गए हैं, शयनयान श्रेणी के लिए 7 कोच हैं, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के लिए जो कोचे हैं वह 6, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की जो कोचे हैं वह 2 लगाए जाएंगे। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं उन ट्रेनों के बारे में जिनके परिचालन को 29 जून 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं टाटा दानापुर स्पेशल ट्रेन, यह ट्रेन को 29 जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। वही अगर दानापुर टाटा स्पेशल ट्रेन को भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पुरी पटना स्पेशल ट्रेन को भी 28 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पटना पुरी स्पेशल ट्रेन को 29-30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 05713 पटना कटिहार स्पेशल ट्रेन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वही 05713 कटिहार पटना स्पेशल ट्रेन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 05714 पटना कटिहार स्पेशल ट्रेन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं 05080 गोरखपुर पाटलिपुत्र स्पेशल ट्रेन को भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 05079 पाटलिपुत्र गोरखपुर स्पेशल ट्रेन को भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 02530 लखनऊ जंक्शन से पाटलिपुत्र के लिए भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। वहीं 02529 पाटलिपुत्र लखनऊ पूजा स्पेशल को भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 08625 पूर्णिया कोर्ट से जो चलती है और हटिया स्पेशल के लिए जो चलने वाली ट्रेन है उसे भी 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वही 08626 हटिया पूर्णिया कोर्ट स्पेशल ट्रेन 29 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 08623 इस्लामपुर हटिया स्पेशल
ट्रेन को 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 08624 हटिया इस्लामपुर स्पेशल ट्रेन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये थी होली पे स्पेशल ट्रेनों के बारे में हमने आपसे आपको बताया। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।